हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुबीना किचन। आज का रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। ये रेसिपी है बंगाल का एक फेमस रेसिपी, इसका नाम है चिंगड़ी भटूरी रेसिपी। मैं 200 ग्राम चिंगड़ी मछली ले ली हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा सरसों पेस्ट ऐड कर दूंगी, 2 चम्मच। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच जीरा पेस्ट, 1 चम्मच प्याज पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच राइस फ्लोर, 1 थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 थोड़ा सा मैं ग्रीन चिली पेस्ट कर ली हूँ, और 1 नींबू का रस मैं दे दूंगी। अच्छे से हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मजेदार है। ये रेसिपी घर में छोटे बड़े सब लोग खा सकते हैं। आशा करती हूँ ये रेसिपी सबका फेवरेट होगा। कम से कम 1 घंटा रख देने का है। मैं 1 घंटा रख दी हूँ, तो अभी 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अभी थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लेंगे। केला पत्ता ले ली हूँ। झींगा मछली को मैं 3 पीस करके डाल दूंगी केला पत्ता के ऊपर। एक एक करके मैं तीनों को ही अच्छे से बांध ली हूँ धागा से। अभी मैं पैन को गर्म होने के लिए बैठाई हूँ। पैन गर्म हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा सरसों तेल ऐड कर दूंगी। तेल गर्म हो गया तो मैं एक पहले छोड़ दूंगी फ्राई होने के लिए। एक साइड हो गया, दूसरे साइड होने के लिए दे रही हूँ। अच्छे से लाल लाल करके फ्राई कर लेंगे, कम से कम 15 मिनट तक लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे, ताकि उसके अंदर जो चिंगड़ी मछली है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। तो देखो ये साइड भी हो गया, मैं दूसरे साइड होने के लिए दे रही हूँ। प्लीज़ आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ ये रेसिपी सबको पसंद हो गया। तो अभी मैं प्लेट में खाली कर लूँगी। एक एक करके मैं तीनों को फ्राई कर ली हूँ, तो अभी मैं एक खोल के दिखाती हूँ आप लोग को। अच्छे से खोलने का है। इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा आ रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने घर में। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसा है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।